एजुकेशन पॉलिसी। ना। आई डीपी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, फील इमेंस प्लेजर टू वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंटेड हियर। एज इट इज नोन टू ऑल दैट द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज एनईपी 2020 विद एन एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन टू ब्रिंग universalization of education from preschool to secondary level. It carries all key elements which could transform the education sector in the country as it focuses on making education accessible, equitable and inclusive. It is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban India. So, to know more about this webinar, I now would like to invite Dr. K.K. Saxena, Associate Professor at Electrical Engineering Department. Respected Principal Sir, Dr. Chawla, Expert Guest Speaker, Retired Professor NITTR Bhopal, Dr. Piyush Verma. This webinar ke special guest, Dr. C.S. Verma, Central Regional Officer AICT Bhopal. Mere colleagues, Professor Gant. कंडक्शन के लिए वेबिनार कंडक्शन के में शामिल प्रोफेसर दीपी, प्रोफेसर विवेक, प्रोफेसर संजय एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम मैं वेबिनार आयोजित करने के लिए संस्था स्तर पर सभी तरह की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रचार महोदय का आभारी हूं और इस वेबिनार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वेबिनार न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पर बेस्ड है। स्पेशली आज हमारे स्पेशल स्पीकर गेस्ट प्रोफेसर पीयूष वर्मा जी हमें एनईपी के टेक्निकल एजुकेशन पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में जानकारी देंगे। प्रोफेसर वर्मा जब NITTR भोपाल की तरफ से छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर थे तब हमने टेक्यूब 2 में इस संस्था में कई कस्टमाइज प्रोग्राम आयोजित किए थे। सर आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आप सभी छात्र छात्राओं को यह जानकर अत्यधिक खुशी होगी कि डॉक्टर सी एस वर्मा जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में AICT मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो पूरे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन के लिए अप्रूविंग स्टेचुटरी बॉडी है उसके सेंट्रल रीजनल ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात राज्य के प्रभारी हैं। सर आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। यह वेबिनार AICT से प्राप्त ईमेल के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। आज ही एक बहुत स्पेशल न्यूज़ मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है कि 12th में मैथ्स और फिजिक्स को भी कंपलसरी कंडीशन से हटा दिया गया है और 14 सब्जेक्ट की एक लिस्ट है जिसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट करने वाला अब इंजीनियरिंग कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जिसमें फ्लेक्सीबिलिटी सबसे टॉप पे है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सीबिलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं ये सबसे टॉप पे हुए हैं और उसके लिए एक ब्रिज कोर्स की बस आवश्यकता उन्होंने बताई है। तो पीयूष वर्मा सर इसके बारे में हमको आगे ज़्यादा बताएंगे। आगे ज़्यादा कार्यक्रम में समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम के आगे संचालन हेतु दीपी मैडम को आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूविंग अहेड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सी एस वर्मा रीजनल ऑफिसर CRO AICTE भोपाल एंड ऑल्सो वन ऑफ द इलस्ट्रियस एलुमनाई ऑफ GEC बिलासपुर टू शेयर हिज व्यूज विद अस। सर हेलो सर म्यूट है गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड टूडेज चीफ गेस्ट डॉक्टर पीयूष वर्मा NITTR माय गुरुदेव डॉक्टर चावला सर प्रिंसिपल GEC बिलासपुर कोऑर्डिनेटर माय डियर स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर स्टाफ्स। टुडेज टॉपिक इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मुझे कहा गया है कि मुझे कुछ बोलना है और ये हमारा AICTE का ही इनिशिएटिव्स है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार करें और बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा और उसके बाद हमारे डॉक्टर पीयूष वर्मा सर इसको डिटेल में बताएंगे।
ये एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो ब्रिटेन के हिसाब से थी। तो उस समय सिद्धेश्वर दास थे, उसने इस एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था 1964 में, और उसी के बाद से 1968 में फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था। और उस समय 1968 में 11th बोर्ड थे, आप पुराने जो हमारे सर लोग हैं वो लोग सब 11th बोर्ड पास हैं। फिर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था 1986 में, और उसमें 11th बोर्ड के बजाय 10th और 12th दो बोर्ड हो गए थे। और आफ्टर मेनी इयर्स दिस इज अ थर्ड एजुकेशन पॉलिसी दैट इज कॉल्ड NEP 2020। और NEP 2020 में भी कमेटी बना था जिसमें के कस्तूरी रंगन जो फार्मर इसरो चेयरमैन थे वो कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के देखरेख में ये सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। और उसका मेन एम है कि हमें बनाना है हमारे देश को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और वो कैसे बनाना है कि इसमें समग्र विकास ऑफ स्टूडेंट भी करना है, सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, कंट्री के बारे में भी सोचना है, और इवन नेचर के बारे में भी सोचना है विदाउट अंडरमाइनिंग द फ्यूचर डिमांड, मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। और ये कैसे होगा कि हम बच्चों को स्किल एस वेल एज जनरल एजुकेशन देना पड़ेगा, वैल्यू एजुकेशन देना पड़ेगा, अफोर्डेबल कास्ट रहेगा, च्वाइस बेस्ड कोर्सेस होंगे, और वोकल फॉर लोकल पर भी जोर देना होगा, 360 डिग्री असेसमेंट होगा। तो ये सारे चीज़ें ऐसा प्रोवाइड करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है उसका साइलेंट फीचर भी मैं बताना चाहूँगा। जो साइलेंट फीचर है MHRD जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया जैसा आप सभी जानते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GDP है अब एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, 6% है, जो अर्लियर हार्डली 3.6 to 4.6 पे वेरी करता था। तो एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा टारगेट है कि अभी प्रेजेंट में स्कूल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 63% है अराउंड, मतलब जो बच्चे हमारे पास अंडर एज 18 तक है उसमें से अबाउट 63% ही स्कूल एजुकेशन में है। तो उसको हमें 100% करना है, मतलब दो गुना करना है। और वैसे ही हायर एजुकेशन में 26 के अराउंड है, कहीं पे 23 है, मध्य प्रदेश में 23.6 है, तो हमें 26.3 से 50% करना है, मतलब हायर एजुकेशन में भी अगर 50% करना है तो इंस्टीट्यूशन की संख्या दो गुनी करनी पड़ेगी। वैसे ही स्कूल में अगर दो गुना करना है जो हमारा टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसमें भी एजुकेशन में कैपेसिटी जो है स्कूलों में दो गुना करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट है, स्कूल का फॉर्मेट है 5+3+3+4 है। तो और पहले था 10+2 था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 12वीं पास तो दोनों में ही पढ़ेगा, गवर्नमेंट को निगरानी दोनों में ही 12 साल तक पहले करते थे, अब गवर्नमेंट को 15 साल तक करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल इसमें बढ़ गया है। मतलब जो नर्सरी स्कूल जो पढ़ते थे KG1 KG2 और KG3 वो एक्स्ट्रा है इसमें, तो अब गवर्नमेंट को पूरे 15 साल निगरानी में रखना पड़ेगा, पहले जो 12 साल ही रखते थे 10+2 में। तो 5 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 to 6 ईयर में रहेगा, ये इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, और उसके बाद Class 1 Class 2 होगा, मतलब 5 साल KG1 KG2 KG3 टाइप से बाल वाटिका टाइप से होगा, उसके पास Class 1 Class 2 होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, और ये 8 साल में ख़त्म करना है इसको। पूरे प्ले बेस्ड एजुकेशन होगा क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि बच्चे जो है जो छोटे बच्चे हैं उसको स्कूल भेजो तो रोने लगता है क्योंकि घर में उनकी आज़ादी ज़्यादा होती है, ज़्यादा खेलने मिलता है। तो एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि अगर स्कूल में बच्चों को खेलने की स्वतंत्रता दिया जाए तो
तो बच्चे ज़्यादा स्कूल में आएंगे और एंजॉय करेंगे, तो ये एक प्रकार से उसको एंजॉयबल बनाना है स्कूल एजुकेशन को। और क्लास वन से क्लास टू के बाद ही थोड़ा बहुत टीचिंग होगा, वो भी प्ले बेस्ड होगा, उसको हम बोलेंगे आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल बोलेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है पांचवी पांच तक का जो है फाइव का ये होगा। उसके बाद है थ्री मीन्स थ्री का मतलब हो जाएगा कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में एग्जाम होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा प्ले भी कराना है, थोड़ा सा पढ़ाई भी कराना है। और उसके बाद है अगेन थ्री मीन्स सिक्स सेवन एट। तो इसमें सिक्स सेवन एट में भी सबसे खास बात इसमें है सिक्स सेवन एट में कि वोकेशनल एजुकेशन एड कर देंगे और प्लस कोडिंग कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा इसमें, इनोवेटिव बेस्ड पढ़ाई का करवाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे मिडिल स्कूल तक। उसके बाद फोर मीन्स नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ। तो नाइन्थ एंड नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ क्लास जो है इसमें क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड किया जाएगा। अभी जैसे ईयरली एग्जाम होता है वो ईयरली नहीं होगा, सेमेस्टर बेस्ड होगा, मतलब क्लास साल में दो बार एग्जाम लेने का प्रावधान है इसमें। और इसमें एक बात और है कि मल्टीपल अभी कोर्सेज जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम बेस्ड नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था, 11 12th में PCM लेना पड़ता था, कॉमर्स लेना पड़ता था और बायो लेना पड़ता था, जैसे PCB। अब वैसा नहीं होगा, बच्चा चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है इसमें। अब इस तरह से नहीं होंगे कि बायो ग्रुप हो गया, मैथ्स ग्रुप हो गया, आर्ट्स ग्रुप हो गया, ऐसा नहीं। उसके मन के अनुसार मैथ्स पढ़ने वाला बायो भी पढ़ सकता है, इस तरह से प्रावधान रखा गया है। अब मैं आऊँगा हायर एजुकेशन में। 5+3+3+4 खत्म होने के बाद हायर एजुकेशन में क्या है, हायर एजुकेशन में भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब हायर एजुकेशन में जैसे पहले बोलते थे BA कर लो या BSc कर लो, BCom कर लो या BTech कर लो, इस तरह से नहीं होगा डिग्री। अब सिर्फ ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा और PhD होगा। तो ग्रेजुएट मतलब चार साल माना गया है, ग्रेजुएशन का जो पीरियड है चार साल। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पास होता है तो उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट देंगे, सेकंड ईयर पास होता है तो हम उसको डिप्लोमा ग्रेजुएट डिप्लोमा देंगे, उसका नाम ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा। थर्ड ईयर है तो ग्रेजुएट डिग्री और फोर्थ ईयर है तो ग्रेजुएट रिसर्च। तो ये चार साल में हमारा ये ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगा। इसमें एक अच्छा फायदा है कि डिप्लोमा करने के सर्टिफिकेट, अभी जैसे क्या पहले तीन साल में अगर किसी एक साल करके छोड़ दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता था, साल नुकसान होता था। अब ऐसा नहीं है, उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी वैल्यू होगी, उसी के हिसाब से उसके नौकरियों का प्रावधान होगा। तो इसमें कभी भी पढ़ के एक साल पढ़ के या दो साल पढ़ के छोड़ सकता है और बाद में आके उसके नेक्स्ट ईयर को कम्प्लीट कर सकता है। इट डजंट मीन कि आप तीन महीना करके छोड़ दो, एक साल तो कम्प्लीट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर माने जाए PG करना है, अब इसमें ना ग्रेजुएशन हो गया, अब BA, BCom, BTech ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री या ग्रेजुएट रिसर्च, उसके बाद PG करेंगे। अगर कोई लड़का जो है ग्रेजुएट डिग्री करता है तो उसको दो साल पढ़ना पड़ेगा PG के लिए, और अगर मान ले जाए ग्रेजुएट रिसर्च करता है तो उसको एक साल ही पढ़ना पड़ेगा PG के लिए, उसके बाद वो PhD कर सकता है। और MPhil का प्रावधान हटा दिया गया है, ये अभी प्रावधान है, इसमें आगे अमेंडमेंट हो भी सकता है। तो अब आगे स्कूल एजुकेशन में जो प्रावधान है, अभी टारगेट और है इसके अलावा कि 2 करोड़ बच्चों को लाना है। अभी फिलहाल 1 करोड़ तक बच्चे स्कूल एजुकेशन में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें स्कूल दोगुना करना पड़ेगा। अब वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते, तो हम ओपन स्कूल के माध्यम से भी इसको एडमिशन ज़्यादा लेना पड़ेगा। वैसे ही 10वीं और 12वीं में अभी बोर्ड है, बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, इसमें अलग तरीके से एग्ज़ाम होंगे। और सेमेस्टर वाइज मैंने पहले ही बता दिया,
छठवीं से दसवीं तक की पढ़ाई में ना एक अच्छा है, इसमें 10 दिन बैगलेस पढ़ाई का भी प्रावधान है छठवीं से दसवीं तक की। एसेसमेंट 360 डिग्री होगा, मतलब इसमें क्लास वर्क में मार्क्स देने के अलावा इसमें सेल्फ एसेसमेंट पर भी मार्क्स होगा कि वो खुद को कितना आंकता है, वैसे ही फ्रेंड उसको कितना आंकते हैं, फ्रेंड उसको कितना नंबर देंगे उसके बिहेवियर पे, उसके एटीट्यूड पे, उसका क्रिटिकल थिंकिंग पे, वैसे ही टीचर भी उसको मार्क्स देंगे उसके बिहेवियर पे। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा अपनी आदतें सुधारेगा, अपनी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। तो इस प्रकार से स्कोर कार्ड जो बनेगा वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा उसका। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि बीएड 4 साल का करेंगे, तो वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये कैसे होगा। उसके अलावा मैं हायर एजुकेशन पे फोकस करूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन आवर AICTE परस्पेक्टिव। तो अभी क्या है, अब तक अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है हायर एजुकेशन में, जैसे आप इंजीनियरिंग में देखे होंगे इंजीनियरिंग का अप्रूवल AICTE देता है, कई जगह इंजीनियरिंग का अप्रूवल अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी देता है, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन उनका अपना अलग तरीके से चलता है, AICTE अप्रूव का अलग तरीके से चलता है। तो एडमिशन में कॉन्फ्लिक्ट है एडमिशन प्रोसेस में, वैसे ही आर्किटेक्चर एक अलग काउंसिल है, वैसे ही फार्मेसी एक अलग काउंसिल है, तो सबका अपना अपना आपस में क्लैश होते रहता है, सिर्फ सुपरमेसी के लिए कि मेरा एक्ट में ये है तो मैं करूँगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसको क्या किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी करेंगे, AICTE UGC और NCTE को मर्ज कर देंगे और एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा, उसके 4 पिलर होंगे। पहला पिलर का नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो इसका काम होगा रेगुलेटरी काउंसिल का फैसिलिटेट करना और रेगुलेट भी करना। तो ये जितने अप्रूवल का काम होगा वो सारे ये बॉडी देखेगा। दूसरा बॉडी होगा NAC, NAC नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, और थर्ड बॉडी होगा NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल के नाम से भी जाना जाएगा। और चौथा पिलर होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो मैं पहले बताऊंगा जो रेगुलेटरी बॉडी होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसका आप तो सभी जानते हैं अप्रूवल कैसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि ये लाइट बट टाइट होगा, अब थोड़ा सा इंस्पेक्शन राज कम करेंगे ऐसा कहा गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उसी के बेसिस पे अप्रूवल भी देंगे। टाइट तभी होंगे जब स्टूडेंट या फैकल्टी या पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि ये नाम से स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्यूनिटिव एक्शन के साथ साथ ज़्यादा होगा तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में देंगे, जैसे अभी AICTE ने रिसेंटली सारे यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्ट किया है कि इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर का जो है डिप्लोमा और डिग्री दोनों में आने वाले एकेडमिक सेशन में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा जो चाहते हैं उसके लिए। तो इसमें यूनिवर्सिटी जैसे हिंदी के लिए RGPV को, CSBTU को, और बीकानेर राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी है, UP के यूनिवर्सिटी है, उनको एक असाइनमेंट किया है जिसमें उनको फंड दिया गया है हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो डिप्लोमा का 1.5 लाख दिया गया है और डिग्री को 1 लाख दिया गया है, या तो हिंदी में बुक लिख लें या जो एग्जिस्टिंग बुक है उसको ट्रांसलेट कर लें। वैसे ही तमिल लैंग्वेज के लिए अन्ना यूनिवर्सिटी को दिया है, अम्बेडकर मराठी के लिए दिया हुआ है, गुजराती GTU के लिए दिया हुआ है। तो ये फंड अभी से दे दिए हैं और उसको ट्रांसलेट करेंगे, मतलब AICTE लोकल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए अभी से स्टार्ट कर दिया गया है। इस साल के नए अप्रूवल प्रोसेस में एक बहुत बढ़िया बात है कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज में जैसे तमिल है या गुजराती है कोई अप्रूवल लेना चाहता है और उस कोर्स में उसका NBA एक्रीडेटेड है, तो एक 1 डिवीजन का कोर्स सिर्फ तमिल में पढ़ाने के लिए अप्रूवल दे दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान अभी इस बार अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में है। उसके अलावा अब ये तो हो गया रेगुलेटरी बॉडी का जो करेंगे। दूसरा NAC जो है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल जो है
उसमें अब एक्रीडिटेशन तो करेंगे ही, साथ ही जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी भी देने का प्रावधान है, जितना ज़्यादा वो कोर्सेज में एक्रीडेटेड लेगा उतने ही ऑटोनोमी देंगे, और ऑटोनोमी अगर उसका एक लेवल तक पार हो जाएगा तो उसको अपलेटिंग डिग्री अपलेट कर डिग्री देने का या दूसरे कॉलेज को अपलेट करने का भी अधिकार मिल जाएगा। और ये 2040 तक पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस इस लेवल तक ले आया जाएगा। वैसे ही ऐसा प्लानिंग है कि कॉलेज अपलेट करने का सिस्टम 15 साल के अंदर फेज आउट कर दिया जाएगा, मतलब सारे कॉलेज ऑटोनोमी होंगे। इसमें ऑटोनोमी के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये प्रावधान है। थर्ड काउंसिल होगा NRF या हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये ऑटोनोमी बनाने में हेल्प करेगा, एक्रीडिटेशन बनाने में हेल्प करेगा, उसको फंड देंगे, यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट को, फैकल्टी और QIP के लिए भी पैसा यहीं से अब होगा जो अभी आजकल AICTE या UGC देता है। फोर्थ बॉडी है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये पॉलिसी बनाएगा, ट्रेनिंग देंगे और टाइमली रिव्यू करते रहेंगे आउटकम बेस्ड कि अभी क्या चेंज की रिक्वायर्ड है और उसको करते रहेंगे। फोकस हमारा AICTE पर, जैसे NAP में कहा गया है कि इमर्जिंग एरिया में फोकस करना है, तो AICTE भी अटल के माध्यम से इमर्जिंग एरिया में फोकस कर रहे हैं और अटल प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे फैकल्टी को हम ट्रेन कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस को अटल लेने के लिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटल प्रोग्राम लें और स्टूडेंट फैकल्टी को ट्रेन करें, इंटर्न स्टूडेंट को फ़ायदा हो। और भी बहुत सारे AICTE ने स्टार्ट किए हैं, जैसे इंटर्नशिप है, NEAT है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, विश्वकर्मा अवार्ड है, QIP है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, ये जितने भी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी पे अलाइंड है और इस पे AICTE पहले से काम करना चालू कर दिया है। और उसके अलावा इसमें ये है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट वाइज बिग यूनिवर्सिटी खोलने का भी प्रावधान है। अगर उसकी कैपेसिटी 3000, अगर इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी कैपेसिटी 3000 या मोर हो गया और उसमें अच्छा एक्रीडिटेशन हो गया तो उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा, लाइक तक्षशिला या नालंदा। तो ज़्यादा कैपेसिटी वाला यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन ODL देने का प्रावधान है और स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रावधान है, क्योंकि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो उसके लिए माने जाए दूसरे यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, योगा पढ़ना है, तो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है और क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि 100 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाना है ताकि कंपटीशन बढ़े आपस में इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ, क्वालिटी इम्प्रूव हो, स्टूडेंट को भी अट्रैक्ट करने का प्रावधान है। और वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, AICTE पहले से ही कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि डिप्लोमा इन वोकेशनल, बैचलर इन वोकेशनल NSQF के लेवल पे ले लीजिए, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, नहीं इस बार तो फीस भी लेना बंद कर दिए हैं। और उसका एक फायदा है कि उसके हर एक लेवल का जनरल जो वो है सर्टिफिकेट है उसके इक्वलेंट है, जैसे 9th 10th का इक्वलेंट Level 3, तो वोकेशनल में Level 3 पास हो जाता है तो वो 10th 11th पास माना जाएगा, ऐसा प्रोविजन है इसमें। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को लेना चाहिए। और उसके अलावा एजुकेशन को एंजॉयबल बनाइए, लोग इसको अच्छे से करें, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो, इनोवेशन बेस्ड हो, तभी न्यू एजुकेशन, और सबसे खास बात है इसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो, तभी ये हो पाएगा। और आइए हम सब मिलके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझें, जानें और इसको इम्प्लीमेंट, मेन पार्ट है पॉलिसी बनाना अलग चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे खास चीज़ है। और वो जिम्मेदारी हमें जो फील्ड में है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उनकी ज़्यादा जवाबदारी है। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाएं, प्लीज डोंट स्ट्रगल टू चेंज बट एम्ब्रेस इट। विद बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सर. Thank you so much, sir, for briefing all salient feature of NEP 2020 through your talk. Now, with great respect, I would like to invite Mr. Divakar Mishra, retired IFS officer and a state project administrator of SPIU Chhattisgarh, to share his ideas with us. Adarani Piyush ji, Adarani Verma ji, Dr. Chawla, एवं उपस्थित सभी हमारे प्राध्यापक गण एवं विद्यार्थियों, आज ये बड़ी खुशी का विषय है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बिलासपुर द्वारा AICTE के निर्देश पर ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है. नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि इसके ऊपर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित करना एवं वोकेशनल एजुकेशन, जिसको कि अभी उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसको क्लास सिक्स से स्टूडेंट्स के लिए लागू करते हैं स्कूल के विद्यार्थियों से, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा. एक जो लोगों के बच्चों के मन में हाथ से काम करने की, या हम लोगों के बड़ों के मन में भी जो हाथ से काम करने को थोड़ा सा तुच्छ समझा जाता है, वो शुरू से बच्चे को आदत रहेगी तो इसमें निश्चित ही सुधार होगा. और ये मॉडल जर्मनी की स्कूल शिक्षा पद्धति में पहले से ही लागू है. छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं, उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अपने स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ ITI में संलग्न करके ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो 12th पास करने के साथ स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ उनको ITI का भी सर्टिफिकेट मिले और वो इस काम में दक्ष हों, ताकि कुछ लोग इसमें रोजगार पा सकें. तो ये सब प्रयास हैं इन लोग, ये अभी छुटपुट तौर पर हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये, और आगे बढ़ेंगे. और जो एक और बहुत अच्छी बात बताई कि एक्रेडिटेशन के लिए अभी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उनको मर्ज करके एक ही संस्था कर दी जाएगी, तो एक संस्था रहने से इसमें और ज़्यादा इसमें सुधार होगा. और ट्रांसपेरेंसी की बात जो कि बताई है, वो ट्रांसपेरेंसी में भी सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का भी एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी में है. और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कई रिसर्च से पता लगा है कि जो बच्चा है अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में अगर उसको पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छे से सीखता है, और साथ ही साथ उसको दूसरी जो विदेश की भाषा है या जो विश्व भाषा जिसको अंग्रेजी कहते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बाहर भी अगर काम करना चाहे तो वो करे. और शुरुआत में जैसे बच्चे को दोनों तीनों भाषाओं का अगर ज्ञान दे दिया जाएगा तो उसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है. लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो ब्रेन के माने गए हैं वो दोनों संतुलित ढंग से और अच्छे ढंग से काम करते हैं. और सबसे बड़ी चीज कि उसको अपने लैंग्वेज स्किल में दक्ष होने की सहायता मिलेगी. हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जो हिंदी का भाषण होता था तो वो अंग्रेजी में उतना नहीं बोलते थे, लेकिन हिंदी का जो उनका भाषण था किसी भी अंग्रेजी भाषण से कई गुना अच्छा रहता था. संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने हिंदी में अपना वक्तव्य दिया था. तो इस तरह से बढ़ावा देने से और ज़्यादा इसमें सुधार होगा. तो हम आशा करें कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी का विद्यार्थियों में प्रचार हो, सभी हमारी फैकल्टी जाने. और सबसे बड़ी चीज़ जो पूर्व वक्ता महोदय ने बताई कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत से और बड़े विद्वान लोगों द्वारा ड्राफ्ट की जाती है, लेकिन मौके पर किस
उमंग से, किस जोश से, किस उत्साह से हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सब ये प्रण लें कि हम सब लोग मिलकर इस एजुकेशन पॉलिसी जो कि कई सालों के बाद आई है और काफ़ी प्रोग्रेसिव है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो पॉलिसी बनाने वालों का और देश के जो प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय की जो सोच है, उसको हम लोग मूर्त रूप दे सकें, साकार कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। ट्रू लीडरशिप इज अबाउट स्ट्राइविंग टू बिकम बेटर इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ एंड एम्पावरिंग एवरीवन अराउंड यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। विद दीज वर्ड्स I would like to invite Dr. B.S. Chawla, Principal, GEC Bilaspur, to share a few words with us. Thank you, Deepri. Good morning, all. Shraddhey Sri Divakar Mishra sir, इस महाविद्यालय के लिए प्रेरणा स्रोत और हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहता है सर। हमारी सारी प्रगति इस जड़ में आप हैं, स्रोत में आप हैं सर। आज के प्रमुख वक्ता हम सबके प्रिय प्रोफेसर पीयूष वर्मा जी, NITRRR भोपाल से, महाविद्यालय के एलुमनाई श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, वर्तमान सेंट्रल रीजनल ऑफिसर AICTE, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर, आज के इस प्रोग्राम के सूत्रधार प्रोफेसर के सक्सेना जी, प्रेजेंटर्स प्रोफेसर दीपी, प्रोफेसर विवेक, ऑल HODs, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, इक्विप टीम, स्टूडेंट्स, AICTE के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सबको पता ही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में लॉन्च हो गई है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का फेज चल रहा है। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको सभी कंसर्न लोगों तक पहुंचाया जाए। इस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्यों इसे लाया गया, और यदि लाया गया है तो क्या इससे लाभ होंगे, और आखिर में जाकर देश को क्या मिलेगा इससे। हम जानते ही हैं किसी भी देश की प्रगति उस देश की शिक्षा नीतियों पर ही आधारित होती है। वहाँ के नागरिक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उनमें स्वावलंबन आ रहा है कि नहीं, उद्यमिता विकास विकसित हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, बहुत छोटा सा एक देश है साउथ कोरिया, संभवतः हमारे केरला राज्य के बराबर है वो, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अल्टीमेट जो उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए वहाँ के सिटीजन्स ने, वहाँ के नागरिकों ने, जिनको हम जानते हैं घर घर में है वो प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में LG के प्रोडक्ट्स, सैमसंग या हुंडई की गाड़ियां देखें, किया की गाड़ियां देखें, पूरी दुनिया में वो छा गए हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जब जाएंगे आप तो ये देखेंगे कि वहां पढ़ाई किस तरह की गई, ये प्रोडक्ट आया कहाँ से, किस तरह पढ़ाया गया, उस पढ़ाई को एक्चुअल में रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया गया, और फिर उसके बाद उन आइडियाज को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स में कैसे लाया गया। तो वर्तमान शिक्षा नीति में इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। साउथ कोरिया की, जर्मनी की, वहां के शिक्षा नीतियों की डीप स्टडी की गई है। साउथ कोरिया में स्कूलों में ही 2 वोकेशनल कोर्सेज कंपलसरी है। उस देश के हर नागरिक के पास 2 स्किल रहती है स्कूलिंग में। उसी प्रकार से हमारे देश में भी इस नई शिक्षा नीति में एटलीस्ट 1 वोकेशनल कोर्स कंपलसरी किया गया है। छात्रों को अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स लेने के लिए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के द्वार खोल दिए गए, फ्लेक्सिबल सिस्टम कर दिया गया है। जो विषय आपको पढ़ना है दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पिक करिए, वो क्रेडिट ट्रांसफर होगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि रिजिड सिस्टम में जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर दिए वही पढ़ने होंगे। आपको पढ़ते पढ़ते लगता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है, आप दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से उन सब्जेक्ट को चूज करिए, उनको लिखिए, उन एग्जाम्स को लिखिए, वो क्रेडिट आपके मार्कशीट में ट्रांसफर होंगी। इस प्रकार के अद्भुत चीजें जो कि अकल्पनीय थी, इन्हें शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो पूरे देश को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, उनका जो सपना है
कि 2030 में 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का ये देश बने और नेक्स्ट सुपर पावर भारत बने, उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षा पे फोकस किया गया, क्योंकि जड़ में शिक्षा है। यदि शिक्षा सुधार दी गई तो देश फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा, जो पढ़े हम उसे अप्लाई करना सीखें और उसका लाभ पूरे समाज में दिखे, देश में दिखे, ये सपना है इस शिक्षा नीति का। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, चूंकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा नीति के अलग अलग आयाम बताए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस विश्वास के साथ कि प्रोफेसर पीयूष वर्मा का जो आज का व्याख्यान है, ये हम सबको बहुत सारी नई बातें शिक्षा नीति के बारे में बताएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम बड़ी सफलतापूर्वक अपने संस्थान में कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन थ्रू योर टॉक। नाउ विदाउट फर्दर एडो We will turn the time over to our presenter, Dr. Piyush Verma sir, retired professor of National Institute of Technical Teacher Training and Research, Bhopal. He carries an extensive and wide experience of more than 39 years as professional trainer, educator, innovator, and researcher. He completed his bachelor's in mining engineering from NIT Raipur in the year 1981 and PhD in occupational stress management through National Institute of Technical Teacher Training and Research, Bhopal. He served more than 39 years at different key positions like professor, head of the department, principal before superannuated in the year 2019. He conducted more than 700 programs of different areas, implemented 3 international and 17 national projects, 30 research projects, guided 11 research scholars, and published 23 research publications in various national and international journals. Including all these technical research and programs, he also conducted programs and projects related to wellness and holistic health. At present, he is running an organization in Bhopal which is devoted for individual capacity building and nurturing sound health. It is really hard to brief such a long experience within a few paragraphs. So we are truly honored to have you here for this webinar and request you to start the session. Hello, can you hear me? Yes, sir. आदरणीय दिवाकर सर, चावला सर, सी एस वर्मा साहब, किशोर जी, विवेक जी, दीपी, सारे शिक्षक वृंद और सारे स्टूडेंट्स का इस वेबिनार में स्वागत है। बड़ा सामयिक सब्जेक्ट है, टेक्निकल एजुकेशन को नई दिशा और दशा देने के लिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि वर्मा साहब ने बताया, मिश्रा साहब ने बताया कि देश को नई दिशा देने के लिए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। मैंने जो अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, इस प्रेजेंटेशन में मैंने खास फोकस स्टूडेंट्स का रखा है और मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट यदि छात्र है और छात्र को एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में क्या मालूम होना चाहिए और क्यों मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे ये सारे सवाल यदि मैं इनका कहीं कुछ हद तक आंसर दे पाया तो मेरे ख्याल से इस वेबिनार को हम बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आदरणीय श्री एस वर्मा साहब ने बहुत सारी जानकारी दी जो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो आने वाले समय में बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स और टीचर्स उनको किस तरीके से हमें तैयार करना है। जो चावला साहब ने जो बात कही कि जो इकोनॉमी हम लोग जिसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, उस इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने के लिए आज की तारीख में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ और सारे जो
स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है यदि उनके कोई सवाल होते हैं तो अपने सवाल नोट करते चलें और हमारे प्रेजेंटेशन के बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो एज ए स्टूडेंट, एक हमारी क्यूरियोसिटी है कि हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कही जा रही है इसके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए और क्यों मालूम होना चाहिए। तो जो मेरी समझ, जो मैंने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें एजुकेशनल सिनेरियो कंट्री का मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। दूसरा, आज की तारीख में जो जॉब लैंडस्केप है उसमें किन कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है और उन कॉम्पिटेंसीज को जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान स्वयं और टीचर्स किस तरीके से एक एफर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, जो हमारी कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल है, आज की तारीख में यदि मैं जॉब मार्केट में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयर मुझसे अगर ये पूछेगा कि व्हाट डू यू हैव विथ यू व्हेन यू आर इन द जॉब मार्केट, देन आई मस्ट नो व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी डू आई हैव एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल डू आई हैव। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे AI आया है, IoT आया है और बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नई नई आ रही हैं, हमें उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो एक प्रॉब्लम जो अभी आदरणीय वर्मा सर ने भी जिसको हाईलाइट किया था और दिवाकर सर ने भी इसको हाईलाइट किया था कि जो हमारा इशू है, जो प्रॉब्लम रहा है बहुत सालों से कि एजुकेशन सिस्टम एक बड़ा सा एक मशीन जहाँ पर हम प्रोटोटाइप ही पैदा करते चले आ रहे थे और क्रिएटिविटी है, डिसिप्लिन है, इंटेलिजेंस है आपका, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक किनारे रह गई थी जिसको ध्यान नहीं दिया गया। तो आज की तारीख में जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। तो जब हम आगे बात शुरू करते हैं तो पहले तो हमें ये जानना होता है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के स्तर क्या थे, वो कहाँ से कहाँ तक आई है। दूसरा, कि जो मेजर सीट्स ऑफ लर्निंग हमारे ऐतिहासिक जिनका महत्व है, आज की तारीख में भी वो टीचर्स आउटस्टैंडिंग हैं, वो कौन कौन हैं, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके रेफरेंस में मुझे क्या मिलेगा। और दूसरा, कि मैं भविष्य में जाकर, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो भविष्य में जाकर ये जो एजुकेशन पॉलिसी है मुझे क्या देने वाली है। तो एक जो पुराने ज़माने में जब एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हमारा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन कहा जाता था, मैं पाँचवीं छठवीं जब नालंदा और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस थे तो वहाँ पर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो हुआ करता था वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होता था। ये रोट लर्निंग की बात कहीं नहीं होती थी, हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानवीयता के विकास के लिए उसको बात करते थे। जो स्कॉलर्स होते थे वो खुद इतनी ज़्यादा रिसर्च करते थे ताकि उन चीज़ों को निकाल सकें। कुछ जो मेजर सीट ऑफ लर्निंग है पुरानी, थोड़ा सा उनके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर लूँगा। जैसे तक्षशिला है तो वो कल्चरल लर्निंग की एक बहुत बड़ी सीट रही है जहाँ पर संस्कृत के पाणिनि और अर्थशास्त्र के चाणक्य या आयुर्वेद के जो चरक है, चरक संहिता जिन्होंने निकाली है, वो वहाँ थे एंड दोज वर दी स्कॉलर्स, वो दोज वर दी टीचर्स ऑफ सीट ऑफ लर्निंग जो जिन्होंने तक्षशिला को पूरे विश्व में एक नाम दिया। नालंदा एक अपने आप में संस्थान रहा जहाँ आर्यभट्ट, नागार्जुना, आर्यदेवा, चंद्रकृति जैसे जो नागार्जुना के स्टूडेंट थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के एरियाज में बहुत सारा काम किया। विक्रमशिला है, वल्लभी है, उज्जैनी अवंतिका जिसको हम कहते हैं, जो शिव पिलग्रमेज का स्थान है जहाँ पर तंत्र शास्त्र और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा काम हुआ है और ये आज भी हमारे लिए सीट ऑफ रेप्यूट हैं जिनको हम वर्ल्ड ओवर जानते हैं। जो कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ देम, लेकिन जिनके बारे में कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए, चाहे हम बात करें चरक की, सुश्रुत की, अगर मेडिसिन और फिजिशियंस का नाम आता है, सुश्रुत हैं, आर्यभट्ट, अगर हम लॉन्चिंग की बात करते हैं आर्यभट्ट वाला में ही,
तो ये जो हमारा एंशियंट विजडम था, और हमारा जो एंशियंट विजडम है दैट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी या मेडिकल साइंस. हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, थैंक यू. तो ये जो एरियाज हैं, ये कहीं ना कहीं हम बहुत प्रोमिनेंस में थे वर्ल्ड ओवर, जहाँ पर हमारी इन इंस्टीट्यूशन ने हमको स्थान दिया है. तो आज की तारीख में जैसे हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, और जिस तरफ NEP बात कर रहा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? तो इट शुड प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एक्टिव, पर्पसफुल एंड यूजफुल एंगेजमेंट इन लाइफ. इट इज़ नॉट ओनली गेटिंग ए जॉब, बट यू शुड बिकम समथिंग मोर यूजफुल फॉर द सोसाइटी. थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताना चाहूँगा, जो CS वर्मा साहब ने थोड़ा सा प्रकाश उस पर डाला था. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जल्दी से एक इसको ब्रीफ में बताना चाहूँगा. जो हमारा जो हिंदुस्तान में एक जो फॉर्मल एजुकेशन का जो एक सोच है, वो कहीं ना कहीं 1820 के आसपास ये शुरू हुआ था, और एक काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्रमोट लिटरेचर और हेलो नहीं यस सर, कुछ आवाजें आ रही हैं सर. am I audible? Yes, you are quite audible. Okay, thank you. So, 1835 में ये काउंसिल ऑफ इंडिया जब ब्रिटिश राज में बना था, और लिटरेचर और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपए सालाना का फंड क्रिएट किया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाता था कि हिंदुस्तान में इस तरह का जो सिस्टम है वो डेवलप किया जाए. लेकिन ये सारा जो सिस्टम बना हुआ था और 1900 और अप टू इंडिपेंडेंस ये चला है, तो इसका केवल कि नौकरियों में कुछ एंट्री देना एडवांस गवर्नमेंट में एडवांसमेंट के लिए, और उनका बड़ा लिमिटेड यूज़ होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जो एजुकेशन होती थी, जब शाही परिवार होते थे तो गुरुकुल प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा में जो एजुकेशन होती थी वहाँ पर जो शाही परिवार के बच्चे हैं और कुछ जो चुनिंदा जो लोग उनसे जुड़े होते थे उनको दी जाती थी. लेकिन जब ये ब्रिटिश काल में जब इसका एक फॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, तब ये हुआ कि जो एजुकेशन है वो वास्ट ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे. जो समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इनको एम्फेसिस दिया था कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को कहीं ना कहीं एक समाज के स्तर पर ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए. और एक बात जो महत्वपूर्ण है, स्किल हमारे यहाँ हमारे इतिहास में अगर आप पलट कर देखेंगे, तो स्किल हमारे समाज में एक बहुत प्रीडोमिनेंट जो टूल हुआ करता था लाइफ लॉन्ग अर्निंग का. और स्किल जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और पर्टिकुलरली जब ये मैकॉले का जब एक मेमोरेंडम आया था, तो मैकॉले ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही थी कि ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन. और ये उसके बाद से जो एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, तो बहुत हद तक उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो व्यवस्था बन गई कि केवल जो पढ़े लिखे लोग निकल कर जॉब करेंगे या बाबू बनेंगे, विद इन कोर्ट मैं कह रहा हूँ कि वो इस तरह का एक सोच जो था उस समय तो डेवलप हुआ था. उसके बाद 1947 में एक विजन ऑफ एजुकेशन आया, जहाँ पर कुछ करिकुलम को थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव किया गया, नेशनल प्राइड की तरफ उसको एनरिच किया गया, और IITs और IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस खोले गए. देन ये 1964-66 में कोठारी कमीशन देन एक्टेड. कोठारी कमीशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, और प्रोडक्टिविटी को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करने के, मॉडर्नाइजेशन के बहुत सारे इफेक्ट किए गए, और जो साइंटिफिक एजुकेशन और रिसर्च है उसको ध्यान देकर
और एडल्ट एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, एजुकेशन के एनहांसमेंट के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई। उस समय जो एजुकेशन का मतलब, जो जनरल नॉर्म्स यदि हम कहें कि एक आम आदमी के लिए एजुकेशन का मतलब, ये कहा गया कि एजुकेशन का मतलब यह कि व्यक्ति लिटरेट होना चाहिए, वो अंगूठा ना लगाए। लेकिन अब NEP आने के बाद में ये सारी मीनिंग बदल गई है। न्यू पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी, धीरे धीरे वहाँ से शेप लेना शुरू किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद में आने शुरू हुए। सबसे बड़ा चेंज आया जब हमने वाशिंगटन एकॉर्ड साइन किया। वाशिंगटन एकॉर्ड जब हमने साइन किया था 13 जून 2014 को, और उस समय आज की तारीख में इसमें 22 कंट्रीज हैं। और वाशिंगटन एकॉर्ड के आने से एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन इंजीनियरिंग एजुकेशन, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा इंजीनियरिंग एजुकेशन में आया, वो ये कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिनका एक्रेडिटेशन NPA द्वारा किया गया है, वो ग्रेजुएट्स कहीं ना कहीं बाहर जाकर अपने जॉब को देख सकते थे। वो अपने दे विल बी एक्सेप्टेड बाई दी कंट्रीज हु आर दी सिग्नेटरीज ऑफ वाशिंगटन एकॉर्ड। लेकिन उसमें एक जो कंपल्शन था वो ये था कि कहीं हमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन को, और जो रिफॉर्म्स जिसकी वर्मा साहब ने भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, कि वो रिफॉर्म्स हमें, चाहे वो करिकुलर रिफॉर्म्स हों, करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के रिफॉर्म्स हों, आउटकम बेस्ड करिकुलम के बनाने के जो रिफॉर्म्स हों, जो स्किल डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स हों, वो सारे के सारे जो हैं वो लेने हुए। दूसरी बात जो आज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉम्पिटेंसीज है एज ऑन डेट, यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे तो 18th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट हमारा जो 1800 में हुआ था 1784 में, जहाँ पर पहला जहाँ पर मैकेनिकल लूम्स वगैरह काम करने शुरू किए थे, फिर सेकेंड रेवोल्यूशन आया 1870 के आसपास, थर्ड रेवोल्यूशन आया 1916 में। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते गए, IT और साइबर फिजिकल सिस्टम का जो इंटरफियरेंस इन द जॉब, इंटरफियरेंस इन द प्रोडक्शन, वो बढ़ता चला गया। और जैसे चावला साहब ने बताया कि कोरिया इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के इतने रेवोल्यूशंस हुए हैं। और ये सारे रेवोल्यूशंस हैं, ये दे डिमांड कि आप हम कहीं ना कहीं हम नए एजुकेशन के, नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ें। दूसरा एडवांटेज जो इंडिया के लिए है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको UNFPA ने जो डिफाइन किया है, कि द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन ए पॉपुलेशन्स एज स्ट्रक्चर, दैट इज वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 इज लार्जर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज की तारीख में 62.5% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और ये एडवांटेज हमारा 2041 तक इसमें हम पीक करेंगे। तो ये एक वाशिंगटन एकॉर्ड को साइन करना, नई एजुकेशन, हमारा जो इकोनॉमी है उसका ओपन अप होना, डेमोग्राफिक डिविडेंड का होना, ये एजुकेशन पॉलिसी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देता है। तो कंटेंट ड्रिवन एजुकेशन, अगर मैं पिछले 6 दशक की बात करें तो हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करता था, हमारा सिलेबस कुछ कंटेंट इकट्ठा करके सिलेबस बन जाता था, फिर हम धीरे धीरे जो है हमने वर्क एनालिसिस, जॉब एनालिसिस करके ट्रेडिशनल करिकुलम बनाए, फिर कॉम्पिटेंसी के एनालिसिस करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम बनाए और आउटकम ओरिएंटेड, और नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम। तो आउटकम बेस्ड करिकुलम या टीचर सेंटर्ड सिलेबस में क्या अंतर होता है, ये जैसा वर्मा साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर जिसमें हमको करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के, कुछ बातें इसके बारे में मैं आगे और करूँगा, जहाँ पर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को एक मेजर जो
क्या कहना चाहिए, प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इसमें ताकि लोगों का इसका फ़ायदा जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। जो नीट क्यों हुई थी ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि जो यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द ओनली वे जो हमारे देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा जहां पर हम स्किल्ड वर्कफोर्स भी होगा, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो नए एरियाज़ में काम कर पाएंगे और हम कॉम्पीट करेंगे वर्ल्ड ओवर नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों को देने में। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये समझना है कि अब मेरा जो जॉब लैंडस्केप है वो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है जो मुझे अर्न करनी है और मैं जॉब रेडी होने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करूँगा, या जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मेरी कॉम्पिटेंसीज के विषय में कितना सोच रही है और क्या सोच रही है। थोड़ी सी बातें मैं इसके बारे में भी करूँगा। जो NEP का एम्फेसिस है, यदि आप देखें इसको, NEP साफ कहती है, नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2.0 साफ कहती है, इट इज़ लेस कंटेंट एंड मोर टूवर्ड्स लर्निंग एंड थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, हाउ टू इनोवेट, अडॉप्ट, एब्जॉर्ब। वर्मा साहब ने इसके बारे में बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें अपने करिकुलम में, हमारी अपनी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, हमारे अपने रिसर्च में, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें विजिबल करना पड़ेगा और हमें अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। नाउ एंड ऑन वी हैव टू चैलेंज आवर सेल्फ सो दैट मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी। तो ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई हैं कि यदि हमको नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन सही रूप में, स्मूथ रूप में दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमें इसे इतने सारे टूल्स को लेकर इनको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी इसका फ़ायदा हमें ड्राइव हो पाएगा। तो जो लर्निंग आउटकम की हम बात करें कि आउटकम बेस्ड करिकुलम बनाना है, बहुत सारे मैं GEC बिलासपुर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ हमने वर्कशॉप भी की है और वहाँ पर हमने इस मसले पर पहले भी चर्चा की थी कि इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को कैसे फील्ड ओरिएंटेड बनाया जाए, जो हमारे असाइनमेंट्स हैं वो कैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखें, करके सीखें। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू है यहाँ पर कि अगर आपको लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे से डिफाइन करने हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा, उससे आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनेंगे। उसके बाद उनको कैसे इवेल्युएट करना है तो आपकी इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज तैयार होंगी। फिर इन इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज़ को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कैसे बच्चा टीचिंग लर्निंग में एंगेज हुआ, कैसे आप सीखेंगे, तो उसका पर्पसफुल एंगेजमेंट कैसे होगा, पर्पसफुल एंड यूजफुल एंगेजमेंट कैसे होगा और कैसे आप परफॉर्म करेंगे। ये एक बहुत मैंने शॉर्ट में इसको यहाँ पर डिपिक्ट किया है कि कैसे किस तरीके से हमको लर्निंग आउटकम के बारे में सोचना है। और एज ए स्टूडेंट मुझे कहीं ना कहीं जो भी मैं सीख रहा हूँ तो मुझे उस सीखने में कौन सी नई चीज़ मिल रही है, कौन सी मैं नई बात सीख रहा हूँ, उस पर उसे ध्यान देना है। दूसरी बात जो मैंने चर्चा की थी कि आपको कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल मालूम होना चाहिए। यदि आज आप एक सपोज़ मैं मेकाट्रॉनिक्स की यहाँ पर मैंने बात की है कि मेकाट्रॉनिक्स का एक जो टेक्नीशियन है वो अपने लैडर पे जाना चाहता है तो उसके पास कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंसीज हम यहाँ तीन लेवल में देख रहे हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस कॉम्पिटेंसी, फिर एकेडमिक कॉम्पिटेंस और वर्कप्लेस कॉम्पिटेंस। ये तीन होने के बाद ही आपका लेडर जो है वो इंडस्ट्री ड्रिवन होगा, आप वहाँ पर होंगे। सर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट की गई हैं, ये कॉम्पिटेंसी अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग हो सकती हैं, लेकिन एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए यूनिवर्सिटी और एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं मुझे इन सारी कॉम्पिटेंसी के बारे में मालूमात होना चाहिए और उन कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के क्या मैकेनिज़म मेरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होंगे वो मुझे डेवलप करना चाहिए। कहीं थोड़ी इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल
जो आपके दिमाग में होगा कि मैं कैसे रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज डेवलप करूं, क्योंकि ये ऑल ऑफ एस ये क्योंकि ये बातें हो रही हैं आज नहीं, आज कम से कम 10 साल से हम ये सारी बातें कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। और जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि जब AICTE हैज़ टेकन ए लीड इन इम्प्लीमेंटिंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, एंड आई रिमेंबर आई वॉज विथ वर्मा सर इन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल लेवल सेमिनार, हमने देश पूरे देश में 4 नेशनल लेवल सेमिनार किए थे जहाँ पर जो आउटकम बेस्ड करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के क्या तरीके हुए थे उनको वहाँ पर बताया था। यहाँ पर यदि आप एज ए स्टूडेंट अपनी कॉम्पिटेंसी, इवन एज ए टीचर यदि कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। पहला, आप अपनी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी को मैप करिए। मैपिंग आपको अपने आप को देखना पड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ उनको अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, डेवलप हैबिट ऑफ लर्निंग टू लर्न। यदि आप सीखने की आदत है आप में तो डेफिनेटली आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को होन कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनको आज की तारीख के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तीसरा, फाइंड प्रॉब्लम्स अराउंड यू रिलेटेड टू द करिकुलम एंड ट्राई टू सॉल्व। जो जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन आप मैं आपसे कहूँ कि जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, जो डिटर्जेंट से धुला हुआ है, इस डिटर्जेंट से धुले हुए कपड़े में भी डिटर्जेंट की मात्रा है जो आपको स्किन के रोग दे रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसके डिटेल में जाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो देन वी फाइंड अ सॉल्यूशन एंड नेचुरली वी लर्न बाय डूइंग इट। तो लर्निंग बाय डूइंग इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। देन मेक अ स्मॉल स्टडी ग्रुप। हर स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा स्टडी ग्रुप बनाए, 2-3 लोग जो लाइक माइंडेड हों आप मिलके, और अपनी लर्निंग प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाते चले। उनमें कैसे आप सीख सकते हैं, करिकुलम से आप प्रोजेक्ट निकालिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट खुद ही इंप्लीमेंट करिए, टीचर से गाइडेंस लीजिए, इंस्टीट्यूशन से गाइडेंस लीजिए, एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग। अब जो सिनेरियो है आज की तारीख में और जिसके बारे में वर्मा जी ने, आदरणीय वर्मा जी ने, आदरणीय दिवाकर सर ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, मैं थोड़ा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर टीचिंग लर्निंग होती है, जहाँ पर सिस्टम्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ इश्यूज हैं, वहाँ चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करेंगे या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। तो एम्फेसाइज क्या करती है, जो NEP एम्फेसाइज करता है कि हमारा करिकुलम में बेसिक आर्ट, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, गेम, फिटनेस सारी चीज़ें होंगी इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर। तो आपने देखा कि जैसे ही हम ऑल एस्पेक्ट ऑफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे, बात करेंगे, वेल राउंडेड, यूजफुल एंड फुलफिलिंग टू द लर्नर इसकी बात करेंगे, तो आपको अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट के अराउंड कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो जब कनेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं वहाँ से प्रॉब्लम्स लेके आने पड़ेंगे, इश्यूज लेने पड़ेंगे, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, जो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइफ इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। और जब ये हमारा जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी लर्निंग कैपेसिटीज बढ़ती चली जाएंगी। वर्मा जी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ पे, इंस्टीट्यूशन पे होती है, टीचर पे होती है और स्टूडेंट पे भी उतनी ही होती है। तो जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जब हम बात करते हैं तो NEP ये कहता है कि आपका एक अच्छा करिकुलम होना चाहिए, एंगेजिंग पेडागॉजी होनी चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए और एजुकेट स्टूडेंट सपोर्ट होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये आवश्यक है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि करिकुलम डिज़ाइन की जो प्रोसेस है हम उसको एक रिव्यू करें, उसको एनालाइज करें। और मुझे याद है कि जब हमने GEC बिलासपुर में हमने जब करिकुलम
इनोवेशंस की वर्कशॉप की थी, तो हमने बहुत सारे इन मसलों पे वहाँ चर्चा की थी। और मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो प्रैक्टिकल्स उस समय डिज़ाइन किए थे, हमने जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस उस समय डिज़ाइन की थी और जो इम्प्लीमेंट हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आज हमें इस करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का जो NEP की जो एम्फेसिस है उसमें देखने को मिल रही है। जो एक NEP ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो ये कहती है कि वहाँ पर हमें बच्चे की केवल कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ बढ़ानी है के अलावा, जो फंडामेंटल कैपेसिटीज़ ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अलावा, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटी भी बढ़ानी है, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इथिकल इमोशनल कैपेबिलिटी एंड डिस्पोजिशंस पे भी कहीं ना कहीं उन्हें एड्रेस करते आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि समाज से, एनवायरमेंट से और पूरी व्यवस्था से कनेक्ट होकर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफिक है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि अगर हम कहें कि मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, यहाँ पर लिखा कि मैंने तोते को विसल करना सिखा दिया, दूसरा पूछता है कि भाई मैंने तो उसको देखा नहीं कि अभी विसल करते हुए, तो बोले मैंने उसे सिखाया है, उसने सीखा या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो NEP ये एम्फेसाइज करता है कि भाई उसको केवल पढ़ाना नहीं है, आप ये इंश्योर करें कि उसे वो चीज़ आती है। अब एज ए स्टूडेंट यदि आप सोचें कि अब मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है तो मैं क्या करूं? तो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं अनुभवों के सागर में अपना गोता लगाना पड़ेगा। तो लर्निंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, आप अपने आप को ज़्यादा से जितना ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखते चलेंगे। तो टेक ए सोशल प्रॉब्लम रेलेवेंट टू योर करिकुलम और उसको प्रॉब्लम को स्टडी ग्रुप में डिस्कस करें, उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालें, बड़े ग्रुप में डिस्कस करें, और जैसे जैसे आप इन चीज़ों पर डिस्कशंस करते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। चैलेंज योर सेल्फ विथ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंसर्न्स प्रॉब्लम्स इशूज रेलेवेंट टू योर करिकुलम और उसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। एक चीज़ और मुझे ध्यान आती है, कहीं आप जो डायरी राइटिंग की जो प्रोसेस होती है कि कहीं जहाँ भी कहीं चीज़ आपको दिखती है और आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग रेलेवेंट, वो उस पर आप डायरी राइटिंग की कोशिश ज़रूर करें। एक चीज़ जो आपको आपके जहन में रखनी है वो ये कि जो हमारी टीचिंग रीडिंग हियरिंग सीइंग जो है वो हमारा जो उसका रिटेंशन होता है बड़ा कम होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को हम करते हैं, करके सीखते हैं रियल एक्सपीरियंसेस के, उनका रिटेंशन सबसे ज़्यादा होता है। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बात करता है कि रिडक्शन, जो करिकुलम में रिडक्शन होना चाहिए, और इसके बारे में जो आदरणीय वर्मा सर ने भी काफ़ी एम्फेसिस दिया था, दिवाकर सर ने भी इसके बारे में कहा था। तो कहाँ फोकस जाएगा, इस स्लाइड में मैंने वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा भी कर ली है। एक जो इंस्टीट्यूशन के एंड पे जो चीज़ हो सकती है और जो फिजिबल है आज की तारीख में, वो आपको एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है लर्निंग इकोसिस्टम का, जिसमें ई टेक्स्ट बुक हो या इंडस्ट्री में काम करने का प्रोविज़न हो, माइक्रो प्रोजेक्ट्स हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के मॉड्यूल हो, और रूब्रिक्स वगैरह हम बना सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग का प्रोविजन हो, ये यदि हमारे इनोवेशन सेंटर इस तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन में बन जाते हैं तो वो एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा जो साधन जो है वो तैयार हो जाएंगे। NEP सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है क्वालिटी टीचर्स की, वो ये चाहते हैं कि हमारे टीचर्स क्वालिटी एंड एंगेजमेंट ऑफ इट्स फैकल्टी उनका हाईएस्ट हो, वो बहुत क्रिएटिव हो, वो नए तरीके से असाइनमेंट डिज़ाइन करें, रिसोर्स मटेरियल डिज़ाइन करें, टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करें, असेसमेंट डिज़ाइन करें, और उनकी जो टीचिंग लर्निंग मेथड हो वो इनोवेटिव हो, रिसर्च ओरिएंटेड हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें टीचर एजुकेशन पे फिर से ध्यान देना पड़ेगा। एक ये जो मैंने स्लाइड तैयार की है कि एक जो फ्यूचर स्टूडेंट है, सपोज़ मैं 2040 के स्टूडेंट की यदि कल्पना करूँ तो वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचेगा कि मेरा टीचर कैसा होना चाहिए? तो ही इज़ वन हु कैन ट्रस्ट मी, ही इज़ वन हु इज़ इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस बूस्टर,
बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, और ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं कि उसका असाइनमेंट जो होने चाहिए वो रियल चैलेंजेस होने चाहिए। ही लाइक्स टू बी चैलेंज, ओके, कि हम टीचर को भी चैलेंज कर सकें, उनको उसको स्पोर्टिंगली ले वो, और वो करेज, अगर उसको मिस्टेक भी हो जाती है देन उसको रिसीव करे, ही इज़ अ गुड फ्रेंड फिलोसोफर। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर टीचर है उसका जो एक अगर ड्रीम मॉडल अपने लिए तैयार करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो टीचर के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, इट इज़ अ बिग लीप। NEP एक्सप्रेस नीड टू इंटेंसिव टीचर ट्रेनिंग सो एज टू मेक देम रेडी टू इम्प्लीमेंट आउटकम बेस्ड करिकुलम मोर इफेक्टिवली। तो नाउ कमिंग कि अगर अब हमें NEP इम्प्लीमेंट करना है, नेशनल जो आउटकम बेस्ड करिकुलम इम्प्लीमेंट करना है, और तो टीचर और स्टूडेंट क्योंकि उन्हें साथ में मिलकर ही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? अडॉप्ट करिकुलम एनालिसिस एज ए रेगुलर प्रैक्टिस। आप करिकुलम की रोज एनालिसिस करें, उसके एनालिसिस के साइंटिफिक तरीके हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल से GEC में हमने एक दो सेमिनार किए थे, और मैं चाहूँगा कि इस बारे में हम और सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, वेबिनार ऑर्गेनाइज करें, कि जहाँ करिकुलम एनालिसिस कैसे की जाती है, स्टडी ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, स्टडी ग्रुप में किस तरह के इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स लिए जाते हैं, उनका असेसमेंट कैसे होता है। यदि हम ये तरीके डेवलप कर लेंगे तो जो NEP का इम्प्लीमेंटेशन है, आउटकम बेस्ड करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। अब लास्ट आस्पेक्ट पे हम आते हैं कि एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं अपनी कॉम्पिटेंसी कैसे प्रोफाइल करूं। तो एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जब संस्थान में आया है तब उसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज थी, क्या क्या कैपेबिलिटीज थी, कि उसमें वर्बल एबिलिटी कितनी थी, उसमें कम्युनिकेशन स्किल कितनी थी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी थी, उसमें क्रिएटिव स्किल कितनी थी। तो वो सारी यदि मुझे संस्थान में घुसते समय उसकी मालूम है तभी मैं उसकी प्रोफाइलिंग कर पाऊँगा कि उसने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंसी में क्या इजाफा हुआ है। क्योंकि कंटेंट रिलेटेड नॉलेज इंडस्ट्री या जो एम्प्लॉयर वो नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि हाउ द पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ द पर्सन कैन मोटिवेट अदर्स, हाउ कैन ए पर्सन वर्क इन ए टीम, हाउ ही कैन लीड द रोल। तो हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। तो जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है तो इसका सारा का सारा दारोमदार करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कि भाई नाउ दिस इज द सिलेबस, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड फिनिश। नाउ यू हैव टू हैव डिफरेंट असाइनमेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स, उनका एग्जामिनेशन का सिस्टम अलग होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर जगह रखनी है। जैसा वर्मा सर ने भी कहा कि हमें क्रेडिट मिलते चलेंगे तो ट्राई टू टेक एज मैनी क्रेडिट एज यू कैन, और जो आपकी जो लर्निंग है उसकी स्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी, टीचर को उनको असेसमेंट का तरीका बदलना पड़ेगा। तो जो NEP है वो NBCS करता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें, साइंटिफिक एवेल्युएशन करें, और बच्चे के एक होलिस्टिक हेल्थ की डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ पर हम बच्चे को नॉट ओनली फिट बनाएं, गुड हेल्थ, साइको सोशल वेलबींग की तरफ ध्यान दें, और एक इथिकल ग्राउंडिंग भी करें उसकी, ताकि वो एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन पाए। अगर उसी चीज़ को मैंने एक ग्राफिक में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि हम जो भी दे रहे हैं, हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर ध्यान देना है कि प्रोसेस में इनपुट से लेकर आउटपुट तक हम उसका इवैल्यूएशन करते चलें, कैसे वो चीज़ों को डाइजेस्ट करके कैसे हमें आउटपुट का कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। करिकुलम डिज़ाइनर को जी एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो ये कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कौन कौन सी कैपेबिलिटी हैं, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी हैं जिसको एम्प्लॉयर देख रहा है, जो फंडामेंटल लिटरेसी हैं जैसे लिटरेसी, न्यूमरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी, ICT लिटरेसी, फाइनेंशियल, ये तो इंस्टीट्यूशन में है, करिकुलम में दिया हुआ है, लेकिन जो कॉम्पिटेंसीज हैं लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलोब्रेशन, या कैरेक्टर क्वालिटीज लाइक क्यूरियोसिटी, इनिशिएटिव,
परसिस्टेंट अडॉप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, हमें करिकुलम डिज़ाइन में इन सारी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है। एक बात और, ये मैं मुझे प्रोफाइल कहीं मिली थी कि इंडस्ट्री रेडी होने के लिए आप में किन किन स्किल्स की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप इनिशियल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको कितनी चाहिए, टीम वर्क कितना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म इथिक कितनी चाहिए, ओरल रिटन कम्युनिकेशन कितना चाहिए, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अकॉम्प्लिश्ड हो जाते हैं तब आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट और प्रोफिशिएंट लेवल पे इन चीज़ों की कम होती है, लेकिन बेसिक अवेयरनेस और नोवीस लेवल पे यू नीड मोस्ट ऑफ दीज सो दैट यू कैन रियली बिकम जॉब रेडी। ये एक छोटा सा मॉडल है जो हम लोगों ने GEC में इम्प्लीमेंट किया था कि किस तरह से कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है, कैसे हम कंटेंट की एनालिसिस करते हैं, PEOs बढ़ते हैं, POs डेवलप करते हैं, और उसके बाद में टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो आज की तारीख में जॉब रेडी होना कैसे, तो उसके लिए आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को मैप करिए, आपके जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसको बहुत फोकस्ड होकर उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। बहुत सारे कोचिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अपनी ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स हैं उनको होन करिए, जितना आपकी स्किल्स होन होंगी यू विल बी एंड मेक लर्निंग ए हैबिट, जो आप अपने आप को सीखने का जो तरीका है वो डेवलप कर लेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल बी ए विनर। और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जो प्रोसेस है, पर्टिकुलरली आज की तारीख में यदि मैं आपको एक स्पेसिफिक रिसर्च बताऊं इंडस्ट्री की, तो उसमें जो बिजनेस मॉडल ये कहता कि बिग डाटा जो है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डॉ जो हेलो स्पेस हेलो हाँ जी यस सर यू बी कंटिन्यू सर दैट वाज अ ग्लिच ओनली ओके। सो दे जो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जो बात हो रही है तो वहाँ पर बिग डाटा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड मार्केट और लर्निंग मशीन्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, दीज आर द एरियाज जो आने वाले सालों में हमारे पूरे सिनेरियो को बदलेगा। और जो आज का स्टूडेंट है, आज का जो टीचर है, आज का जो करिकुलम डिज़ाइनर है, उन्हें कहीं ना कहीं इन बातों को अपने जहन में रखना चाहिए। तो कैसे आप किस अपस्किलिंग करें, कैसे अपना रीस्किलिंग प्लान बनाएं, सिचुएशन को एनालाइज करें, स्किल प्लान तैयार करें अपना, और उसमें उसको एसेस करें स्किल गैप क्या है, फिर उसके बाद में वो जो ट्रेनिंग है आपका ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग उसके लिए एक्टिविटी असेसमेंट कैसे होना चाहिए, और इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें एंड दैट विल मेक यू रेडी फॉर द जॉब। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, थैंक यू सो मच एंड वी I think I have been able to communicate myself और बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके लिए की हैं, और I thank everybody, मिश्रा सर को, CS वर्मा सर को, चावला सर को मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और hope we will be having more such interaction in future. Thank you so much sir for illustrating the glorious history of Indian education system, detailing the importance of root learning and how we could again reach the zenith of education system through proper implementation of NEP 2020. Thank you so much. And now moving ahead with the question answer session, if you have any query, direct ask your query. Is there someone query? Yes. Yeah, Hidesh Agarwal. Hidesh ji bolin. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me opportunity to ask question. So I want to ask that as Verma sir told us that the budget of education is increasing from 2 to 6% from GDP. So yeah. I only want to know that why the TechCube was cancelled for this year. I know that there was so much in TechCube, but the most important thing in TechCube was the faculties which came to our colleges. Yes, sir, please. I think Saxena sir can
नो टेक्यूब प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन था वही एक्चुअली सितंबर 20 तक था, जिसको 6 महीना इंक्रीज करके 31 मार्च कर दिया गया था। तो वो प्रोजेक्ट हो रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट आ भी सकता है 6-8 महीने के बाद में एमएचआरडी की तरफ। ओके सर, बट मेरे को अभी भी आर्ग्यूमेंट से मतलब सर हम लोग जो मतलब अभी रिसेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो हमारी जो दो सर के BEEE के लिए और एक FMC के लिए, तो सर हम लोग ने ना उनसे ज्यादा डेडिकेटेड और उनसे ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग टीचर्स आज तक नहीं देखे सर। मतलब सर मोस्टली हम लोग को हार्डली सर 3-4 मंथ्स हुआ है उन लोग से कॉन्टेक्ट में, और सर इतने ज्यादा हम लोग सर उनसे इंस्पायर हो चुके हैं सर, और सर मतलब सिर्फ टेक्क्यूब के कारण सर वो छोड़ के जाए तो सर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? हेलो, इज देयर समवन एल्स? Any student? Let me remind you again, if you have any question regarding the NEP 2020, you could direct ask this, all your queries to Piyush sir. He will definitely try his best to fulfill your queries. Okay, Deepanshu. Yes, ma'am. Okay, do you have any question, Deepanshu? Yes, ma'am, related to the new education policy, ma'am. Okay, you could ask, sir. Sir, actually, I want to know that you said that about now, according to new education policy, all the subjects will be going to teach in regional languages, but might be quite difficult also to invigilate this all papers in different languages in future. देखिए जो NEP का provision है कि languages में जो education है वो provide करनी है और it should be available, और जहाँ तक बाकी जो सारी processes हैं उससे जुड़ी हुई, तो चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, जैसे वर्मा सर ने बताया कि जो नई टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं जिनको लैंग्वेजेस में लिखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट इज़ अ इशू विच विल बॉदर अस इन एनी मैनर, क्योंकि भाषा का जो सीखने से भाषा का उतना ज़्यादा संबंध नहीं होता है, व्यक्ति की अपनी इच्छा, व्यक्ति का अपने सीखने का तरीका और उसको बताने का तरीका, इन पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरे ख्याल से सक्सेना सर थोड़ा सा और प्रकाश डाल देंगे इसके ऊपर, लैंग्वेज पे जी। वो अभी देखिए जो धीरे धीरे करके अडॉप्ट होगा, वो कोई यूनिवर्सिटी एक कोर्स खोल पाएगी किसी रीजनल लैंग्वेज में, तो फिर उसमें नेचुरली उसमें जो एडमिशन वाले लोग हैं वो उस लैंग्वेज पे कंफर्टेबल होंगे, तो उस लैंग्वेज में पेपर भी सेट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सिर्फ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट तक सीमित होगा कुछ दिनों तक, जो खुद ही डिग्री देते हैं और खुद ही पेपर सेट करते हैं, वहीं इवेल्युएशन होता है। इसको लार्ज स्केल पे एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट तक आने में समय लगेगा अभी, जहां पे मास इन्वॉल्व होता है परीक्षा देने वाला। ओके सर, थैंक यू सर फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू दीप्तांशु। इज देयर एनी क्वेश्चन? Vivek sir, do you have any other question in the chat box or somewhere else? No ma'am, it's not there, I think. Sir, I think this is all with the question and answer. Okay, moving ahead, I now would like to invite Professor Vivek Singh Rathore, Assistant Professor ET&T, to coordinate feedback session.
Thank you, ma'am, for inviting me. So for the feedback session, I would like to call our students. So first, I would like to call Ritesh Agarwal from first year student. Ritesh, are you there? Yes, sir, I am here. Okay. First of all, I would like to thank you everyone present here for giving us opportunity to know more about the new education policy. I cannot thank much to all of you, especially Mr. Piyush, Professor Piyush sir and Verma sir. Thank you very much. And also, I want to say that India is moving ahead toward two steps of a developed country, and this may be the first step of it. Thank you. Thank you, Ritesh, for wonderful words. Now I would like to call Diptanshu Srivastava. He is from mining branch. Diptanshu. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, everyone, for giving me opportunity to give feedback. I want to say thank you to Piyush Verma, sir, for making it understand this new education policy. Because whenever the new policy introduced in a country, first and foremost challenge for any country is to make that policy understand to the citizen. And the way the sir explained about this policy is phenomenal, because after listening and understanding this policy, not creating any doubt in my mind about this policy. Even I want to say thank you that for what we need to work to have a relevant competencies and what skills that need to be developed in any one of the candidate to become a job ready person, and how we need to make our upskilling and reskilling plans so that we could able to gain any job in future. And even I want to mention that this policy will bring a new and bright face of our country that will make India to outshine others. And at last, I also want to say thank you to our Institute GC Bilaspur for organizing such an important webinar for us. Thank you. Hello, Vivek sir. Yes, ma'am. Okay, is it all with the feedback? Yes, ma'am. That was all. Okay, now I would like to invite Dr. Emil Agrawal, Professor and Head of the Department of Civil Engineering, for vote of thanks. Good afternoon, everybody. On behalf of Government Engineering College, Bilaspur, and my own behalf, we are thankful to Sri Divakar Misraji, retired IFS and SPA Chhattisgarh. He is always motivating and inspiring for organizing such kind of webinars and programs in our institute. And whenever we ask him, he joins the program on a very short notice. So we are thankful to you, sir. We are thankful to Dr. C.S. Verma. He is our own alumni of mechanical engineering. We are proud of him. He is Central Regional Officer, AICT Bhopal. We are thankful to you, sir, for sparing your valuable time and sharing your views with us. We are really thankful to you. Thanks are also due to Professor Piyush Verma, our guest speaker on the new particular era that we are going to face in coming days, because 10 to 15 years to complete implement in the education system. And I think that the educator provides so we express our heartfelt thanks to our principal, Dr. B.S. Chawla,
We are thankful to the coordinator of this webinar, Dr. K.K. Saxena, for organizing such a wonderful webinar that is really relevant to the time, because we were very much in need of such. Deep and Mr. Vivek Singh for making all these logistic arrangements and organizing this webinar. We are other faculty members also from other here students who are participants in this particular webinar. So we are thankful to all of our students also. Thank you. Thank you so much, sir. So with all, here we come to the end of this webinar. But before wrapping up the session, I would like to thank you one and all who joined us for today's session. Take care till we see you again. Thank you so much, everyone. Thank you.